लोग भगवत धाम में जाना चाहते है, जड़ जगत में नहीं रहते चाहती। अच्छा, ऊपर में जाते है, बहुत कष्ट मिलता है। राम राम हरे, ये है हम लोग का आत्मा का खाना। राधे जप करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बहुत ही प्यार भरा जय जय श्री राधे मेरे सभी सनातन प्रेमियों को। और एक बहुत ही बड़ी ब्रज परिक्रमा भी आज चरण पहाड़ी मंदिर पर इन्हीं हमारे भगवान जी के श्री चरणों को दर्शन करने के लिए आई हुई है। और हमारे साथ कुछ बंगाल से श्रद्धालु हैं, जो भी हमारे अभी जिस चरण चिन्ह पर हम हैं उसे कहते हैं बलराम जी का पद चिन्ह, और लगभग 2 फीट के करीब यह पद चिन्ह है। और हमारी माता जी आपको बताएंगी उन्हें यहाँ आकर कैसा लगा, क्या महिमा है ब्रज की। राधे राधे अम्मा जी। हम लोग भगवत धाम में जाना चाहते है, जड़ जगत में नहीं रहते चाहती। अच्छा, ऊपर में जाते है, बहुत कष्ट मिलता है यहाँ पर। ऊपर में बहुत आराम है, बहुत भगवान का नाम लेगा रहेगा ये अच्छा है, भगवान में धूली में रहेगा ये भी अच्छा है। भगवान मेरा हर जन्म में साथ रहे, भगवान में हम हर जन्म में रहे, मेरा वैष्णव धर्म में मेरा साथ रहे। मैं वैष्णव घर में मैं जन्म लेता हूँ, बहु गरीब हो लेकिन वैष्णव जन्म में जन्म हो, बार बार 84 जन्म में हम वैष्णव धर्म में जन्म लेना हो, सनातन धर्म में। बहुत सुंदर बात, ये बहुत बढ़िया है। और ये जड़ जगत ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं, बहुत दुखालय है, बहुत दुखाजनक बात है। सबसे बढ़िया है भगवान में चरण में रहना, ये बहुत अच्छा बात है सबके लिए, सब 84 जीव के लिए भी, पृथ्वी सब मानव जाति के लिए भी, 84 जने के सब के लिए अच्छा है भगवान धाम को जाना, सबसे अच्छा है। पशु पक्षी गाछ पाला जितना है वृक्ष, सबके लिए भगवान धाम में अच्छा है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो मैं आपको कैसा लगा चरण पहाड़ी पर आकर, आपने बलराम जी के पद चिन्हों के दर्शन किए? बहुत अच्छा लगा, मैं मतलब है ये दापुर युग का निशाना है। हाँ जी, तो लेकिन हम लोग सोचते हैं ये दापुर युग है, लेकिन भगवान अभी भी लीला यहाँ पर कर रहे हैं, नित्य हो रहे। हाँ, नित्य हो रहे, वो उस भगवान नित्य है, भगवत का धाम भी नित्य है, शाश्वत है जी। ठीक है, तो ये जो हमारा जो महाप्रभु जो राधा कृष्ण मिली तो राधा गौरंग प्रभु ये सब सौर गोस्वामी को भेजा जी। और सौर गोस्वामी भी गोपी है, रूप गोस्वामी है जो सनातन गोस्वामी, वो गोपी का पहले था दापुर युग में, और कली युग में वो संत लेके जन्म लिया, पार्षद लेकर गौरंग प्रभु को। वो लोग को बोला जो तुम लोग जाओ वृंदावन में, यही यही जगह में हमारा कृष्ण लीला किया, ये सब तुम लोग ढूंढ के निकालो। हाँ, और कुछ कुछ, हाँ कुछ कुछ विग्रह हम लोग का जवन जाति के लिए मुगल साम्राज्य अमल में कुछ विग्रह हम लोग का करौली ऐसा नागपुर इधर चला गया। हाँ, राजस्थान का उधर तीनों गया, तो वो तीनों का प्रतिभू मूर्ति यहाँ पर है, लेकिन वो देखने से ये वाला भी हम लोग का है, लेकिन राजस्थान भी हम लोग का स्टेट में मैंने इंडिया में ही है अभी। और ये सब सनातन जो चीज है ये रखने के लिए हम लोग सनातन वासी जो है हम लोग को सचेष्ट होना चाहिए, हम लोग को हर गांव में जाके हर परिवार में जाके प्रचार करना होगा, गीता देना पड़ेगा। ऐसा कोई कोई हम लोग का दूसरा वाला जो धर्म है वो हम लोग के हिंदू धर्म से कुछ लालची देके कुछ खाना पीना देके जैसा उसका धर्म में लेता है, लेकिन सबसे आदि शाश्वत नित्य है सनातन धर्म। ठीक है, आज सबसे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये भारतवर्ष पहले है, भारतवर्ष से वो लोग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अपना अपना नाम दिया, लेकिन भारतवर्ष शाश्वत है, भारतवर्ष धाम शाश्वत है, यहाँ पर जन्म लेना को वो भी शाश्वत है, लेकिन हम लोग
लोग घूम रहे हैं ऐसा, लेकिन हम लोग का अभी दिव्य दृष्टि नहीं दिया। जैसा प्रहलाद महाराज को दिव्य दृष्टि दिया, तब प्रहलाद महाराज कुछ माया जगत के लिए एक, उसको पिताजी जब उसको थोड़ा सा कष्ट दिया कि उसको सौतेली माँ जब बोला कि तुम ही सिंहासन में बैठने के लिए तुमका अगला जन्म में मेरा पेट में जन्म लेना होगा, तब वो थोड़ा सा लालची के लिए हो गया जो हमको क्यों ये बात बोला। छोटा सा चीज लेके हम लोग भगवान प्रहलाद महाराज ध्रुवा महाराज कुछ सामान्य चीज के लिए जा रहा है, लेकिन भगवान उसको बहुत सारा दे दिया, पूरा ध्रुवो लोक दे दिया। तो उससे कुछ मांगना नहीं चाहिए, कृष्ण से एक ही चीज मांगना है, वो भगवान भक्ति, भगवान को चरण में हम लोग को ठाई दे, यही मांगने का चीज है। और पूरा वृंदावन का देखभाल करते हैं बिंदा देवी, तो बिंदा देवी से हम लोग को पहले परमिशन लेना होगा कि यहाँ पर घुसने का हम लोग का राइट है कि नहीं है, उसको परमिशन लेके घुसना है, उसी से हम लोग का आशीर्वाद लेके ये सब देखेगा। लेकिन कोई कोई जो रहता है कि ये सब क्या है, इसको पीछे इतना रुपया का चाहिए, क्या है वैल्यू क्या है, लेकिन हम लोग को शरीर में खाना अच्छा है, एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो लग है हम लोग का ये सब शरीर के लिए, लेकिन मेरा आत्मा का खाना वही है भगवत को जब हरे कृष्ण का नाम है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये है हम लोग का आत्मा का खाना। राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जप। अरे सनातन धर्म जाते विलुप्त तो नहीं होगा, इसलिए हम लोग को जो जो माने यंग जनरेशन है उस वो लोग को आगे बढ़ना होगा, यंग जनरेशन आना चाहिए इसमें। और सनातन धर्म को अपना खुद समझेगा, दूसरों को समझा करेगा, सनातन जो जो धर्म एक बार कैरी करता है वो बाहर नहीं जाता है। जैसे देखिए वो लोग हिप्पी लोग है, हिप्पी लोग क्या करता, बहुत सारा रुपया वो लोग को दिया भगवान, वो फालतू रुपया कमाई वहाँ पर बर्बाद करता था, लेकिन हमारा इस्कॉन का प्रभुपाद वो लोग को कैसे खींच के ले आया, कुछ तो मिला तब तो आया। वो में जो माया जगत में कुछ वैल्यू नहीं है, वो लोग समझ के सोच समझ के ही आया, जो वहाँ पर जो रुपया में जो एंजॉय होता है वो फालतू है, माया है जी। लेकिन ये जो है ये असली है जी। आप क्या है, इसलिए हम लोग भगवत धाम से हम लोग को फिर यहाँ ट्रेनिंग लेना पड़ता है, इस धाम में ट्रेनिंग करके हम लोग भगवत धाम जाएगा। तो माता जी आप कहाँ से आई हैं? हम लोग वेस्ट बंगाल आसनसोल। राधे 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 राधे।